हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस. क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसके अंदर हमारी यूनिट 3 की रीड 2 चल रहा था, जिस पोएम का नाम है वुडमैन्स पेट दैट ट्री. यहाँ पे कवि जो है वो लकड़ाहारे को बोलते हैं कि उस पेड़ को बख्श दो, उस पेड़ को काटो मत, वैसा ही रहने दो. तो हमने देखा था कि इस कविता में जो कवि है वो एक धमकी से बोलते हैं, प्यार से नहीं बोलते, धमकी से बोलते हैं लकड़ारे को कि उस पेड़ को वहीं पे रहने दो, काटो मत, उसकी एक डाली को भी तुम छूना मत. क्यों? क्योंकि इस पेड़ ने, जब मैं छोटा था तब इसने मुझे आश्रय दिया था, और अब मैं जब बड़ा हो गया हूँ तो अब मैं इस पेड़ की रक्षा करूँगा. उसके बाद कवि क्या बोलते हैं कि ये जो पेड़ है वो मेरे पूर्वजों ने लगाया था, कहाँ पे? अपने पलंग, अपनी चारपाई के पास में इसे लगाया था, और अब तुम्हारी जो कुल्हाड़ी है वो इस पेड़ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती. दैट ओल्ड फैमिलियर ट्री, मतलब कि ये हमारा पुराना, इसके साथ रिश्ता है, ये हमारा एक परिवार का भाग है. तो अब नहीं, आगे से स्टार्ट करते हैं पोएम, यहाँ तक हमने की थी. तो कवि बोलते कि पेड़ को काटो मत, कवि यहाँ पे पेड़ की रक्षा करने के लिए बोलते हैं. तो आगे देखो, दैट ओल्ड फैमिलियर ट्री, मतलब कि ये जो पेड़ है वो हमारा, इस पेड़ के साथ बहुत पुराना संबंध है. पुराना संबंध क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो पेड़ है वो कवि के पूर्वजों ने लगाया है, और कवि इस पेड़ की रक्षा की बात करते हैं, और इस तरह कहते हैं कि ये जो पेड़ है वो हमारे परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है, इसके साथ परिवार का एक सदस्य है, तो इस पेड़ को काटो मत. वूज ग्लोरी एंड रेनोव. ओके, तो इस ग्लोरी एंड रिनोव का मीनिंग क्या होता है? ग्लोरी एंड रिनोव का मीनिंग होता है आबरू और कीर्ति, यानी कि प्रख्यात. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वूज, वूज यानी कि यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? वूज पेड़ के लिए, मतलब कि जिसकी कीर्ति और आबरू, जिसकी कीर्ति और आबरू एंड आर स्प्रेड. ओ ई आर जो लिखा है उसे हम लोग पढ़ेंगे ओवर, ओ वी ई आर. ये कविता लिखने का एक तरीका है जिसके अंदर ओवर को इस तरह से लिखा गया है, ओवर लैंड एंड सी. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कवि? इसकी जो कीर्ति है, ख्याति है, वो स्प्रेड यानी कि फैली हुई है. कहाँ पर? लैंड यानी कि जमीन, ओवर लैंड यानी कि पूरी जमीन पर, पूरी भूमि पर, एंड सी यानी कि समुद्र, पूरे समुद्र में, पूरी पृथ्वी पर इसकी आबरू, कीर्ति, ख्याति फैली हुई है. एंड वुदस्ट हो हेव इट डाउन, एच ई डब्ल्यू हेव यानी कि इस मीनिंग होता है, हेव यानी कि मीनिंग होता है चीरना. आपका जो वार होता है वो उसे बोलते हैं एच ई डब्ल्यू यू, इसे क्या बोलेंगे? वार. तो क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो वार है उसे तुम रोक दो, मतलब कि तुम अपनी कुल्हाड़ी का जो वार है वो रोक दो. तुम्हारी कुल्हाड़ी का वार जो है वो इस पेड़ को नष्ट नहीं कर पाएगा, डाउन यानी कि गिरा नहीं पाएगा. वुड मैन फोर बियर देयर थाई स्ट्रोक. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सॉरी, स्ट्रोक का मीनिंग होता है वार. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वुडमैन, लकड़ाहारे को कवि बोलते हैं कि तुम जो है, टी एच वाई को हम क्या बोलेंगे? योर, और स्ट्रोक यानी कि वार. तो तुम, तुम्हारा जो वार है उसे यहीं पे रोक दो, अब वार को रोक दो. एंड यू का मीनिंग क्या होता है? चीरना. तो यहाँ पे कवि बोलते हैं कि तुम्हारी कुल्हाड़ी इस पेड़ को नीचे नहीं गिरा पाएगी, तुम अपना वार यहीं पे रोक दो. कट नॉट इट्स अर्थ बाउंड टाइज. अर्थ बाउंड टाइज यानी कि जमीन के अंदर तक फैला होना. तो कवि क्या बोल रहे हैं कि ये जो पेड़ है ये पूरी जमीन के अंदर तक फैला हुआ है, तो आप इसे कट कर भी नहीं सकते हो. ओ स्पेयर दैट एज्ड ओक. तो ओक क्या होता है? जैसे नीम का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, वैसे ही सेम ओक का भी
वृक्ष होता है, तो कवि बोल रहे हैं कि ये जो बड़ा पूरा पोषण युक्त जो बड़ा पेड़ है, पूरा पला पोषा, इस पेड़ को ओक के वृक्ष को वैसे ही रहने दो, बख्श दो, नाउ टावरिंग टू द स्काईज। अब ये क्या कर रहा है, आसमान को छू रहा है, आसमान को छू रहा है मतलब कि बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, ना कि असली में आसमान को छू रहा है। ओके, तो इसके आगे की जो पोयम है वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।